नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब में। आज फिर मैं आ गया हूँ एक डिस्ट्रिक्ट कैनाल में और यहाँ पर कैसे स्पीड से पानी निकलता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, ये दिखाने के लिए। तो अभी मैं ये डिस्ट्रिक्ट कैनाल पे हूँ, ये अपस्ट्रीम दिखा रहा हूँ और ये बीच में ये गेट बनाया जाता है जिसकी जगह काफ़ी छोटी कर दी जाती है ताकि पानी वहाँ से फ्लो में बाहर निकले। ये देखिए पानी कितनी तेज़ी से यहाँ से निकल रहा है। और दूसरा मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच का ये गेट है, ये गेट से ही इसको ऑपरेट किया जाता पानी को कि पानी छोड़ना है या रोकना है। ये यहाँ पे इसका पाना आता है, पानी से गेट बंद किया जाता है। और सामने आप देख रहे हैं ये ब्रांच कैनाल है, ब्रांच कैनाल में अभी आप पानी की स्पीड में बहुत दबा जा रही होगी। ये कैनाल को थोड़ा सा डाउन में बनाया गया है और यहाँ पर फॉल किया गया है और यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से पानी निकले, इसलिए हमने यहाँ पे दो फॉल दिया हुआ है। दो फॉल से देखिए कितने स्पीड से पानी निकलता है। ये जो पानी देख रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, ये देखिए ये पहला फॉल और नीचे का दूसरा फॉल। ये पानी यहाँ से गिरती है और जब कैनाल पे जाता है तो ये पानी निकलता है। ये पानी इस फॉल की बदौलत अगले 3 किलोमीटर तक स्पीड से कवर कर सकते हैं। जब हम फॉल नहीं बनाते तो पानी ज़्यादा कवर नहीं करता, जिसमें हमारी कैनाल खाने लगता है। इस फॉल की वजह से ये दो फॉल बन जाते हैं। कितने स्पीड से पानी निकलता है आप देख सकते हैं। सिटी के नाम से डिस्ट्रिक्ट के नाम से गेट से पानी निकलता है और फ्री सामने ब्रांच है और ये 3 किलोमीटर तक पानी जाए। अपने सजेशंस और सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।